हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज तारीख है हमारी 11 नवंबर और आज हम बात करेंगे कल जो हमारे करंट अफेयर्स में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें घटी उनके बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक नया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए @AMANTRIVETII। ठीक है, डबल आई अगर आप एंड में लगा देंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा @AMANTRIVETII से इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे ही मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। पहला सवाल है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 7, 8, 9 या फिर 10 नवंबर? तो हमारा आंसर है 10 नवंबर को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो द आंसर इज 10th नवंबर। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th नवंबर। ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2002 में पहली बार बना था और यूनेस्को 2001 में बना था। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं ऑड्रे अजौले और यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में और हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में। मैंने यहाँ पे भी 2001 बोल दिया था, वो गलत है, 1946 में यूनेस्को बना था आपका। ठीक है, इसके अलावा जो पुराने डीवीडीज हैं वो मैं PDF में आपके बना एक साथ एक बन रखता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग आगे जब PDF देखें तो एक बार रिवाइज कर सकें। अक्टूबर 2021 के लिए माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? अक्टूबर 2021 के लिए हु हैज़ बीन अवॉर्डेड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2021? बाबर आजम, आसिफ अली, जॉस बटलर या फिर KL राहुल? तो जवाब है इसका आसिफ अली। आसिफ अली को अक्टूबर 2021 के लिए माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। आप पाकिस्तान के आसिफ अली और आयरलैंड की लॉरा डेलानी को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अली ने पुरस्कों के पुरस्कार में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और नामीबिया के डेविड वीजे को हराया और डेलानी ने टीम के साथ गैबी लुइस और जिम्बाब्वे की मैरी एना मुसोंडा को हराकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर जो है ये मिला है आसिफ अली को और आयरलैंड की लॉरा डेलानी को। हम एक बारी मेंस रैंकिंग देख लेते हैं, जितनी भी ICC की रैंकिंग है। तो टेस्ट टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, 2nd पे इंडिया, 3rd पे ऑस्ट्रेलिया, 4th पे इंग्लैंड एंड 5th पे पाकिस्तान है आपकी। ODI टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, 2nd पे इंग्लैंड है, 3rd पे ऑस्ट्रेलिया एंड 4th पे इंडिया है एंड 5th पे साउथ अफ्रीका है आपकी। इसके अलावा T20 टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो इंग्लैंड नंबर 1 पे है, 2nd पे पाकिस्तान, 3rd पे इंडिया, 4th पे न्यूजीलैंड एंड 5th पे साउथ अफ्रीका है। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग की बात करेंगे तो हम सबसे नंबर 1 पे हैं जो रूट, 2nd पे केन विलियमसन, 3rd पे स्टीव स्मिथ, 4th पे मार्नस लेबुशेन और 5th पे हैं हमारे रोहित शर्मा। इसके अलावा ODI बैंक की बैटिंग रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं बाबर आजम, 2nd पे विराट कोहली, 3rd पे रोहित शर्मा, 4th पे रॉस टेलर एंड 5th पे एरॉन फिंच। T20 बैटिंग रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं बाबर आजम, नंबर 2 पे हैं डेविड मिलान, 3rd पे हैं एडन मार्करम, 4th पे हैं एरॉन फिंच एंड 5th पे हैं लोकेश राहुल। ठीक है, इसके अलावा बॉलिंग की रैंकिंग की बात करेंगे तो इस समय नंबर 1 पे हैं पैट कमिंस, 2nd पे रविचंद्रन अश्विन टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग, 3rd पे टिम साउदी, 4th पे जॉश हेजलवुड, 5th पे नील वैगनर। और ODI बॉलिंग रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं ट्रेंट बोल्ट, 2nd पे जॉश हेजलवुड, 3rd पे मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के और क्रिस वोक्स 4th नंबर पे एंड 5th पे हैं मेहंदी हसन। और T20 बॉलिंग रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं वनिंदु हसरंगा, 3rd पे तबरेज शमशी साउथ अफ्रीका के, 3rd पे हैं आदिल रशीद इंग्लैंड के, 4th पे राशिद खान एंड 5th पे हैं एडम जैम्पा। और हम ऑलराउंडर रैंकिंग की बात करेंगे, टेस्ट में नंबर 1 पे हैं जैसन होल्डर, बेन स्टोक्स 2nd पे रविंद्र जडेजा, 3rd पे शाकिब अल हसन, 4th पे एंड 5th पे हैं रविचंद्रन अश्विन। ODI ऑलराउंडर रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं शाकिब अल हसन, 2nd हैं आपकी मोहम्मद नबी, 3rd हैं क्रिस वोक्स एंड 4th राशिद खान एंड 5th हैं मिचेल सैंटनर। और T20 ऑलराउंडर रैंकिंग की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हैं मोहम्मद नबी, 2nd पे शाकिब अल हसन, 4th पे 3rd पे वनिंदु हसरंगा, 4th पे ग्लेन मैक्सवेल एंड 5th पे जीशान मकसूद। अगला सवाल है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा, 100th, 5th, 18th या फिर 17th? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 18th। 30 देशों की में ये रैंक निकाली गई है। तो पहला एडिशन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का, जो कि
बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इन नवंबर में 2021 में जारी की गई। इंडेक्स रैंक्ड नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगाल एंड यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया एज द टॉप 5 कंट्रीज ऑन ह्यूमेन एंड हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज, यानी कि सबसे अच्छी पॉलिसीज यहाँ पे हैं। तो नंबर 1 पे है नॉर्वे, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे पोर्तुगाल, फोर्थ पे यूके एंड फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। 26 पे मैक्सिको है, 27 पे केन्या, 28 पे इंडोनेशिया, 29 पे युगांडा एंड 30th पे है ब्राज़ील। बाकी इंडेक्स जो हमारी आपके टाइम में आई हैं उनको एक बार ही देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है 121st, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये मिसिंग है यहाँ पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142nd, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43rd, ग्लोबल पीस इंडेक्स 135, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20th, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2nd, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46th, हेनले पासपोर्ट 90th, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101 एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में 71st है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स भी पब्लिश की गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, हमारे उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल हमारे देखते हैं। तो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स जो है इसमें जारी की गई है। सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब माल की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। यह इंडेक्स लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्यों को प्रदान करता है। तो नंबर 1 पे है गुजरात, 2nd पे हरियाणा, 3rd पे पंजाब, 4th है आपका तमिलनाडु, 5th है आपका महाराष्ट्र, यानी कि सबसे अच्छी लॉजिस्टिक्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, आसानी से सड़क परिवहन वगैरह अच्छा मिल पाता है। 2019 की लीड्स रैंकिंग की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये राज्य शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में उभरे हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मोरिनारी, वाटनाबे, थॉमस बैक, नारायण रामचंद्रन या फिर जियानी इन्फेंटिनो। तो मोरियानी वांटनाबे इन्हें नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संगठन महासंघ का अध्यक्ष, थॉमस बैक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं और नारायण रामचंद्रन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो मोरिनारी वांटनाबे जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। मोरिनारी वांटनाबे को दोबारा आपका बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष, 3 साल की अवधि के लिए दोबारा से बनाया गया है। तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आयोजित FIG राष्ट्रपति चुनाव में मोरिनारी वांटनाबे ने अजरबैजान के दावेदार फरीद गेबेवो को हराया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ की स्थापना 1881 में हुई थी, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। IHRF ने इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी डैनियल डेल वाले को हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ बनाया है इन्हें, ठीक है। तो IHRF यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र के लिए युवा सशक्तिकरण और युवा भागीदारी के विषयगत क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के कारण स्पेनियार डैनियल डेल वैले को, ठीक है, डैनियल डेल वैले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। IHRF एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। डैनियल डेल वैले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्वालोक गणराज्य के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के नीति सलाहकार के रूप में सेवा करने के अपने चल रहे अनुभव को लेकर आए हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इसका यूथ के लिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं गैरी कास्परो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के संस्थापक हैं थॉर हवलोरसन मरूजा, एंड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन की स्थापना हुई 2005 में, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट है हमारा जीनो, ये आपका एक क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी है जिसने रुपए के साथ में टाई अप किया है डेबिट कार्ड देने के लिए प्री टीन्स और टीनेजर्स को। बच्चों पर केंद्रीय फिनटेक जूनियो ने रुपए प्लेटफॉर्म पर किशोरों और किशोरों के लिए एक स्मार्ट बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है। जूनियो रुपए कार्ड बच्चों के लिए स्मार्ट बनाया गया है, यह उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खरीदारी के लिए डेबिट कार्ड के रूप में काम कर सकता है। तो जूनियो ने ये रुपए कार्ड के साथ में टाई अप किया है। पुरुषों के T20 आईज में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या मार्टिन गप्टिल? तो जवाब है इसका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पुरुषों के T20 आईज में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा तीसरे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 3000 रन T20 आईज में कंप्लीट किए हैं। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 3000 T20 आईज रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने ये किया है। विराट कोहली 3227 रनों के साथ शीर्ष पे हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल हैं और भारत के रोहित शर्मा 3115 और 3008 रन के साथ हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को अप्रूव किया है किस राज्य ने? पंजाब, यूपी, एमपी या फिर बिहार? तो जवाब है इसका पंजाब। पंजाब जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। यूपी की राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एमपी की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। बिहार की राजधानी है पटना एंड सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फग्गू चौहान। तो यहाँ पे टिश्यू बेस्ड टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को अप्रूव किया है इस राज्य ने। पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब को एक मानक आलू बीज के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पंजाब ऊतक संस्कृति आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने ये किया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस कर चुके थे पहले ही वो, बट अभी वो दिए गए हैं तो इसको देख लेते हैं। 119 पर्सनालिटीज़ को दिए गए हैं, सारे के नाम हम याद नहीं कर सकते बट जो जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 2021 के विजेताओं में 29 महिलाएँ हैं, एक ट्रांसजेंडर हैं, 10 विदेशी NRI और OCI हैं, 16 का निधन हो चुका है पोस्थमसली जिसे दिया जाता है। 2021 में भारत रत्न का कोई प्राप्तकर्ता नहीं हुआ है। तो करण जौहर को मिला है, एकता कपूर को मिला है, कंगना रनौत को मिला है, सरिता जोशी को मिला है, सुरेश वाडकर को मिला है, संगीतकार अदनान सामी को 2020 के लिए 61 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे जिन्हें एक समारोह में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण में जो आपके मुख्य इंपॉर्टेंट हैं वो हैं सिंजो अबे जापान के, SP बाला सुब्रमण्यम पोस्थमसली मिला है तमिलनाडु के गायक थे, बेल्ले मुनापे हेगड़े कर्नाटका के इन्हें मिला है, नरेंद्र सिंह कपाय कापने USA के हैं ये मरणोपरांत मिला है, मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली से हैं जिन्हें ये मिला है, बीबी लाल दिल्ली पद्म भूषण मिला है, और सुदर्शन साहू उड़ीसा से हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और पद्म भूषण में जो मुख्य हैं वो हैं आपके कृष्णा नायर, शांता कुमारी चित्रा केरला से, तरुण गोगोई पोस्थमसली मिला है असम से, चंद्रशेखर कामरा कर्नाटका से, सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से, नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश से, रामविलास पासवान पोस्थमसली मिला है बिहार से, केशुभाई पटेल गुजरात से पोस्थमसली मिला है, काल्बे सादिक पोस्थमसली उत्तर प्रदेश से, और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ महाराष्ट्र से मिला है, और तरलोचन सिंह हरियाणा से इन्हें मिला है। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया, शंकराचार्य, दमन गलगोट या भास्कर चट्टोपाध्याय? तो पूनम दलाल दहिया जो कि खुद एक IPS ऑफिसर हैं उन्होंने ये किताब लिखी है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। शंकराचार्य की कल किताब उन्होंने पढ़ी थी एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पर्सनल जर्नी, दमन गलगोट बुकर प्राइज मिला है इन्हें प्रॉमिस किताब के लिए, साउथ अफ्रीका से हैं ये। भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। तो पूनम दलाल दहिया जिनका नाम मैंने बताया ये खुद एक IPS ऑफिसर हैं, मनोहर लाल खट्टर ने इनका इसका विमोचन किया है। लॉन्च के दौरान पूनम दहिया ने CM मनोहर खट्टर को पहली प्रति भेंट की, यह पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। तो बेसिकली UPSC के एस्पायरेंट्स के लिए एक अच्छी किताब है। RBI ने फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर नाम से लॉन्च किया है 2021 स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ये है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इसमें बात होगी। जो ये जीतेगा उसे 40 लाख और रनर अप को 20 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। हार्बिंजर नाम है याद रखिएगा, इसमें RBI आ रहा है इसीलिए इन्होंने हार्बिंजर लिया है। ठीक है, IBM ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है मैसूर में। IBM ने बेंगलुरु के बाहर के शहरों में परिचालन स्थित करने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर्नाटक का डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन में मैसूर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य व्यापक हाइब्रिड क्लाउड और SI प्रौद्योगिक परामर्श क्षमताओं को प्रदान करते हुए Tier 2 और 3 सीरीज में आर्थिक विकास का समर्थन करना है। IBM कोर के CEO हैं अरविंद कृष्णा, मुख्यालय है अर्मोंक न्यूयॉर्क में और US बेस्ड कंपनी है, 16 जून 1911 में बनी थी। नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल बिपिन रावत, चीफ जस्टिस मार्शल विक्रम राम चौधरी, जनरल मुकुंद नरवणे या फिर वाइस एडमिरल हरि कुमार? तो एडमिरल ही होते हैं नेवी वाले, तो ऑब्वियसली आंसर होगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। जनरल मुकुंद नरवणे आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल है हमारे चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और बिपिन रावत हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो नौसेना के स्टाफ के रूप में इन्हें एक कार्यभार मिला है। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह के 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वाइस एडमिरल कुमार ध्वज के रूप में सेवा कर रहे हैं और पश्चिमी नौसेना कमांड के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं।
एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल, शील वर्धन सिंह, के विजय कुमार या डॉक्टर नजरुल इस्लाम? जवाब है अतुल करवाल, एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। एनडीआरएफ में मतलब कोई परमानेंट सर्विस नहीं होती है, पुलिस के ही लोग, पुलिस या फिर अलग अलग जो सेवा क्षेत्र हैं उनके लोग ही वहाँ पर जाते हैं। भारत की सबसे धनी स्वर निर्मित महिला अरबपति कौन बन गई, सेल्फ मेड वुमेन मिलेनियर कौन बनी है? तो इसका जवाब है फाल्गुनी नायर। नायका का आईपीओ आना था और कल ही वो आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो जिसमें पहले दिन 81% का राइज देखने को मिला, यानी कि अगर सुबह उठते किसी ने पैसा लगाया था तो वो 81% बढ़ गया, अगर किसी ने 100 रुपये लगाया था तो वो 181 हो गया। तो फाल्गुनी नायर बन गई हैं। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉइन की फाउंडर हैं। दिव्या गोकुलनाथ बायजूस की फाउंडर हैं। लीना तिवारी यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हैं। तो फाल्गुनी नायर इज द नेम हु हैज बिकम द सेल्फ मेड इंडियाज बिलियनियर। 11 नवंबर से कौन सी राज्य सरकार खुले में आग जलाने का अभियान शुरू करेगी, एंटी ओपन बर्निंग, मतलब एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, कि ओपन में आप फायर नहीं जला सकते? तो जवाब है दिल्ली, और ये बेसिकली स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाने है उससे रिलेटेड ये इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।